बच्चों, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर चल रहा था और उसमें हमने बहुत कुछ कर लिया था और अभी बहुत कुछ करना बाकी है ना। फिलहाल आज मेरा प्लान है, मेरे पास आपकी जो डीपीपी नंबर 3 है उसके कुछ क्वेश्चंस लिस्टेड हैं, तो मैं वो क्वेश्चंस कराऊंगा और उसके बाद आपको आज होमवर्क मिलेगा एनसीईआरटी में से, ठीक है। तो देखिए, डीपीपी 3 के मेरे पास जो क्वेश्चन लिस्टेड हैं वो लिस्टेड हैं, मैं एक बार क्वेश्चंस जो लिस्टेड है वो बता दूं आपको। डीपीपी 3 का 3, 4, 6, 9, 10, 6, 9, 10 और 13, 14, 15, 16, 14, 15, 16, ये क्वेश्चन लिस्टेड है। तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में हम जो है आज आपको कुछ होमवर्क देंगे उसमें से, एनसीईआरटी की बुक में से, राइट। तो देखिए, हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। डीपीपी 3 आप ओपन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो डीपीपी 3 आप ओपन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है क्या? कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने फोटोकॉपी मशीन की वर्किंग समझाई है, पूरी स्टोरी समझा दी है कि फोटोकॉपी मशीन ऐसे वर्क करती है, राइट। आपको उससे कोई मतलब नहीं है कि फोटोकॉपी मशीन कैसे वर्क करती है, आपको इस सारे क्वेश्चन में से एक मतलब की चीज पकड़नी है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो 2 mg के बराबर है। बस इस क्वेश्चन को पढ़ दो पूरा, है ना, पूरा पढ़िए आप। तो देखो, इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है। अ फोटोकॉपी मशीन वर्क्स बाय अरेंजिंग पॉजिटिव चार्जेस इन द पैटर्न टू बी कॉपीड ऑन द सरफेस ऑफ अ ड्रम, देन जेंटली स्प्रिंकलिंग नेगेटिवली चार्ज ड्राई टोनर पार्टिकल ऑन टू देम। द टोन पार्टिकल टेम्पोरली स्टिक टू द पैटर्न ऑन द ड्रम एंड आर लेटर ट्रांसफर टू द पेपर, करेक्ट। तो वो छपाई आ जाती है उसके ऊपर। अब इन्होंने कहा है, सपोज ईच टोनर पार्टिकल हैज मास दिस एंड कैरीज एवरेज 20 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, है ना। तो अब हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए जो उसके वेट का डबल हो जाए, ऐसा इन्होंने बोल रखा है आगे। तो देखो क्या होगा, मैं कहूंगा क्यू ई इट इज इक्वल टू 2 mg। ये क्वेश्चन की डिमांड है, आप पढ़िए सवाल को। क्यू को बोलूंगा एन ई और कैपिटल ई को कैपिटल ई बोलूंगा और 2 mg को 2 mg बोलूंगा। अब देखिए, एन इन्होंने 20 कह रखा है, 20 इलेक्ट्रॉन कह रखा है, 1.6 × 10⁻¹⁹ होता ही है वो तो, है ना। ये ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, 2। मास दे रखा है इन्होंने 9 × 10⁻¹⁶, कितना, 16, −16। जी आपका 10 होता है। चलिए, अब आप ई निकाल दीजिए बड़े आराम से, बस आपका आंसर आ गया, है ना। तो ये हो गया है 18 × 10⁻¹५ अपॉन, ये आपका आ जाएगा 32 × 10⁻¹⁹। तो आप जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपके पास में 18 / 3.2 × 10⁻³ आएगा, नहीं +3 आएगा, सॉरी। तो E की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में कैलकुलेशन करने पर 5.6 × 10³ न्यूटन पर कूलम, ये बेटा वैल्यू आएगी आपके पास E की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई, करेक्ट। अच्छा, जब ये आपके पास में वैल्यू आ चुकी है तो अब देखिए क्या होने वाला है, बस आपका आंसर जो है ना फर्स्ट आ गया, फर्स्ट आपका आंसर आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए, इन्होंने क्या किया है क्वेश्चन नंबर 4 में, एक इन्होंने इस तरह से ये लटकाया है ऐसा प्लस क्यू, और यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया। तो नेचुरल है कि अगर पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाएगा तो आर की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लिटिल इंक्रीज होगी आर की वैल्यू। ये जो आर की वैल्यू लिटिल इंक्रीज होगी ना, इसकी वजह से फोर्स की वैल्यू घट जाएगी, आर इंक्रीजेज देन इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज, मतलब इफेक्ट गिर जाएगा, आर बढ़ जाएगा, है ना।
तो लिटिल जो है ना आंसर लेस आएगा, लेस आंसर आएगा आर बढ़ने के कारण, क्योंकि प्लस प्लस में रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो आर बढ़ जाएगा, लिटिल इंक्रीज होगा तो आपका जो आंसर है वो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर है ना, फर्स्ट वन लिटिल लेस दे रखा है उन्होंने। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, सिक्स में है स्टेट वेदर द इन्फॉर स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये जो क्वेश्चन है ना सिक्स, इसका आंसर शायद आपकी जो डीपीपी है उसमें ठीक नहीं दे रखा, वो पता नहीं टू कहां से लिख गया, जबकि ये ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स के अंदर जो है ना, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट, चारों को हमें ट्रू फॉल्स चेक करना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है चार्ज इंटरेक्ट्स विथ इट्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, नो, तो ये फॉल्स हो गया। हमने आपको एकदम स्ट्रिक्टली कहा था कि चार्ज जो है अपने इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्ट नहीं करता है। अ चार्ज इंटरेक्ट्स विथ ग्रेविटेशनल फील्ड, नो, ये भी फॉल्स है। अच्छा, मास इंटरेक्ट्स विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल नहीं, ये भी फॉल्स है। चौथा, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ, ये बात तो है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ना एफ अपॉन एम, इसको हम जी कहते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, बिल्कुल ये तो ठीक है। हेंस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये गलत है। यानी इस स्टेटमेंट का, चौथे स्टेटमेंट का एक पार्ट तो सही है, लेकिन जो दूसरा पार्ट आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वो गलत आ रहा है, तो दिस इज फॉल्स, ये फॉल्स है। तो आपके छठे में चारों फॉल्स है, कोई भी सही नहीं है। अच्छा, पांचवा और है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, आगे क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, पांचवा स्टेटमेंट और है इसमें। इन कूलम्स लॉ द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेज इज ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ अ चार्ज विद इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द अदर चार्जेज। इन कूलम्स लॉ द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ अ चार्ज विद इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अदर चार्ज। नहीं, अदर चार्ज का तो क्या लेना देना है? एक मिनट, इन कूलम्स लॉ द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ अ चार्ज विद द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अदर। हाँ, ये सही है, ये सही है, सही है। ठीक है, तो देखो 1, 2, 3, 4 सारे गलत हैं, लेकिन फिफ्थ वाला सही है, फिफ्थ वाला ट्रू है, क्योंकि एक चार्ज पर जो दूसरे चार्ज के कारण फोर्स होता है उसी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, तो ये बात सही है। चलिए, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सिक्स के बाद में क्वेश्चन नंबर नाइन आ जाएगा। नाइन क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये नाइन क्वेश्चन आपको सोचने के लिए एक इनसाइट लुक देता है, आपके अंदर विचार का तरीका पैदा करता है कि हमको विचार कैसे करना है। तो नाइन्थ क्वेश्चन अपने आप में कंसेप्चुअली आपके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन है, राइट। अब ये सीन है आपका, अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता करना है, कहां कहां पर क्या क्या है, कहां कहां जीरो हो सकता है। तो देखो, यहां अगर मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखता हूं प्लस वन कूलम को, तो देखो क्या है, ये इलेक्ट्रॉन पास में होने के कारण अट्रैक्ट करता है, तो इलेक्ट्रॉन के कारण अट्रैक्शन होगा प्लस वन कूलम पर। लेकिन ये प्रोटोन दूर बैठे हैं, दो प्रोटोन है, साफ दो है, तो दोनों मिलकर के रिपेल करेंगे इधर और इधर, ओके। हो सकता है इन दोनों प्रोटॉन्स का रिपल्सन इस अकेले इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन को न्यूट्रल कर दे, बराबर कर दे, तो यहां ई जीरो हो सकता है, यानी कि आपका जो फर्स्ट पोर्शन है इसमें ई जीरो हो सकता है, राइट। सवाल बढ़िया है ना। सेकेंड, यहां अगर आप प्लस वन को रखते हैं तो देखो क्या होगा, अगर आपने प्लस वन को यहां रखा तो ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा और प्रोटॉन दोनों रिपेल करेंगे, यानी कि कोई चांस नहीं है शांति से बैठने का, यानी नो चांस। सेकंड रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो ही नहीं सकता, ओके। चलिए अब यहां आते हैं, यहां देखो, अगर मैं मान लो प्लस वन को यहां रखता हूं
तो देखो क्या क्या होगा। दिस इलेक्ट्रॉन विल अट्रैक्ट, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, वो वाला इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये जो प्लस प्रोटोन है ये रिपेल करेगा इधर कि जा भाई, साथ ही वो रिपेल करेगा इधर, ये प्रोटोन रिपेल करेगा। तो देखो सुनो, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस प्लस वन को उधर अट्रैक्ट करेगा, ये वाला जो प्रोटॉन है यहां वाला, ये प्रोटॉन वाला इसको उधर की तरफ रिपेल करेगा, ये जो प्रोटॉन है वो इधर की तरफ रिपेल करेगा। तो ऐसा हो सकता है कि इस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन और इस प्रोटॉन का रिपल्सन मिलकर के इस अकेले प्रोटॉन के रिपल्सन के बराबर हो जाए, ऐसा संभव है। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है भैया, इसका मतलब थर्ड वाला जो पोर्शन है उसमें हो सकता है, राइट। एक फोर्थ पोर्शन यहां रखा है। अब देखो ये प्लस चार्ज हमने यहां रखा, इस प्रोटॉन के कारण रिपल्सन आएगा, इस प्रोटॉन के कारण रिपल्सन आएगा और इस इलेक्ट्रॉन के कारण अट्रैक्शन आएगा। तो इस तरह से ये चीजें यहां पे क्या होंगी कि यहां तो हो ही नहीं सकता, अब इस इलेक्ट्रॉन के कारण अट्रैक्शन होगा तो ये अट्रैक्शन पता है कितना कम होगा, कितना कम अट्रैक्शन होगा, तो ये तो मतलब बनेगा नहीं। तो फोर्थ वाला जो है इसमें जीरो नहीं आएगा, फोर्थ वाले में जीरो नहीं आएगा, क्योंकि दो प्रोटॉन तो रिपेल करेंगे इधर की तरफ और एक इलेक्ट्रॉन दूर बैठा बैठा क्या अट्रैक्ट कर लेगा यार, दूर बैठा बैठा तो अट्रैक्ट करेगा ही नहीं, इसलिए वो गलत ही होगा। इसका मतलब नाइन्थ के अंदर हमारा आंसर आएगा फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट आंसर, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत अच्छा सवाल है, केवल ये एक मतलब सोच देने के लिए है ये क्वेश्चन नाइन। अब देखिए नाइन के बाद टेन, टेन क्वेश्चन, हाँ टेन क्वेश्चन जो है इट इज वेरी गुड क्वेश्चन, इसको थोड़ा हमें अच्छी तरह समझ लेना पड़ेगा। डीपीपी थ्री का क्वेश्चन नंबर टेन देखो, क्वेश्चन नंबर टेन आप देखिए, ये एक्स है ये जीरो है, ये एक्स है ये क्यू है, यहां पर क्यू है, ये क्यू है और ये डी है, ये डी है डिस्टेंस, है ना। वाई एक्सिस पर आप कोई डिस्टेंस वाई ले लीजिए, यहां आपको कहीं पर ये फैसला करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां सबसे ज्यादा होगी, किस जगह पर मैक्सिमम होगी, तो वो हम फैसला कर देते हैं। देखो मान लो ये पॉइंट वाई है और ये पॉइंट डी है, तो बेटा ये वाली डिस्टेंस कितनी है और ये वाली डिस्टेंस कितनी है जरा बताओ, ये डिस्टेंस है अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये डिस्टेंस है अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, करेक्ट ओके। अब आप देखो ये प्लस के कारण इधर रिपल्सन आएगा, इस प्लस के कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहां पे के क्यू अपॉन इसका स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसी तरीके से ये ई भी इतना ही आएगा, ये ई भी इतना ही आएगा के क्यू अपॉन वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, करेक्ट। आगे देखिए हम क्या करने वाले हैं, आगे अगर मैं यहां से इस लाइन को आगे बढ़ा दूं ऐसे, तो देखो अगर मैं इस एंगल को थीटा कह दूं, अगर मैं इस एंगल को थीटा कह दूं, तो बेटा ये एंगल थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कंपोनेंट लेता हूं मैं, तो इधर आएगा e cos थीटा और इधर आएगा e cos थीटा, इधर आएगा e sin थीटा, इधर आएगा e sin थीटा, इधर वाला e sin थीटा और इधर वाला e sin थीटा दोनों कैंसल हो जाएंगे, तो जिंदा क्या बचेगा, जिंदा बचेगा दोनों e cos थीटा, राइट। तो इसका मतलब आपका रिजल्ट क्या आया, आपका रिजल्ट आया है ई नेट, ई टोटल नेट, ई नेट बराबर आ गया है टू ई कॉस थीटा। कैलकुलेशन चेक करना जरा, टू ई, ई को लिख रहा हूं मैं के क्यू स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, करेक्ट। कॉस थीटा को मैं लिख रहा हूं वाई अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, आप चेक करें। ई नेट, ई नेट को मैं लिख रहा हूं अब आप अच्छी तरह से ध्यान देंगे, ट्वाइस के क्यू स्क्वायर इंटू वाई अपॉन, यहां आएगा वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेज टू पावर थ्री बाई टू, चेक करो इज इट,
ऐसा हो गया है। अब आप देखें कि ये आपका ई नेट हो गया, ट्वाइस के क्यू स्क्वायर वाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेज टू पावर माइनस थ्री बाई ऐसा हुआ। ओके, ये ई नेट हुआ। हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट लगाएंगे। मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट कैसे लगाएंगे, हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो देखो मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूं, डी ई नेट अपॉन डी वाई अपॉन डी वाई। आप चेक करो, ये है ट्वाइस के क्यू स्क्वायर को तो मैं कॉमन निकाल देता हूं, कॉन्स्टेंट है। एक बार मैं वाई को डिफ्रेंशिएट करूंगा, तो वाई को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो वन आएगा, और इसको चुपचाप कॉन्स्टेंट रख दूंगा। दो क्वांटिटीज के मल्टीप्लीकेशन का जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो यही तरीका है कि एक बार एक क्वांटिटी को आप डिफ्रेंशिएट करो और दूसरी क्वांटिटी को कॉन्स्टेंट रख दो। तो मैंने इसको वाई को डिफ्रेंशिएट किया है, इसको कॉन्स्टेंट रख दिया है। फिर देखिए अगली बार हम क्या करेंगे, अगली बार हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, वाई को कॉन्स्टेंट रख देंगे। तो वाई को कॉन्स्टेंट रख दिया, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो माइनस थ्री बाई टू आएगा, और क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेज टू पावर माइनस फाइव बाई टू आएगा, है ना, माइनस वन, और इनटू इसका डिफरेंशिएशन अंदर का भी तो होता है ना चैन रूल से, टू वाई प्लस जीरो ये आएगा, और इतना करने के बाद इसको आप जीरो कर दो, करेक्ट, ये आपका जीरो हो गया, फाइन। अब आप देखेंगे तो यहां पर जो है ये इस तरह से होगा कि जीरो करते ही आप देखो कि क्या होने जा रहा है, ये ट्वाइस के क्यू स्क्वायर उधर चला जाएगा, ये यहाँ रह जाएगा, और ये फाइव बाई टू है तो इसका भी थ्री बाई टू उधर चला जाएगा। तो मैं इसको लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक गलती करूँगा, मैं एक गड़बड़ करूँगा, आपको मेरी गड़बड़ पकड़ के बतानी है। आपको पता है ना वीडियो के अंदर मैं गलती जरूर करता हूँ, जरूर करूँगा, तो मैं यहाँ भी करूँगा गलती, आपको बताना है, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ, देखो घोटाला, देखना व्हाट घोटाला डन, इज देयर एनी घोटाला। तो y इक्वल टू आ गया है प्लस माइनस d अपॉन रूट टू, यानी कि y की ये वैल्यू मैक्सिमाइज होगी, तो आपका आंसर प्लस माइनस d बाई रूट टू आ जाएगा। हमेशा इस तरह की वैल्यू जो है ना आपकी मैक्सिमाइज होकर के आएगी। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। 13 कहाँ है, अच्छा 13 क्वेश्चन यही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 ही। तो देखो मैं इस 13 क्वेश्चन को कर रहा हूँ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा सरल सा सवाल है, लेकिन इसमें इस चीज का हम यूज करेंगे रिजल्ट का। क्वेश्चन नंबर 13 ये एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 10 है ना। देखिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब देखो आप, अंडू हो सकता है क्या, ये अंडू नहीं हो सकता, ओके चलिए कोई बात नहीं, ये हमने गलती से जो है ना डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं। अब देखो आप जो क्वेश्चन नंबर 13 है ना, डीपीपी 3 का क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका ऐसा है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर x बराबर प्लस ए है, यहाँ पर x बराबर माइनस ए है, और सीन कुछ ऐसा है, सीन कुछ ऐसा है कि एक जगह आपका ऐसा दोनों जगह प्लस क्यू चार्ज रखे हैं, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज है। पहला सवाल ये पूछ रहे हैं कि y एक्सिस और इलेक्ट्रिक फील्ड में ग्राफ खींचिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वाई एक्सिस। तो देखो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ और इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं यहाँ ले लेता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं यहाँ ले लेता हूँ माइनस, है ना, यहाँ मैं प्लस वाई ले लेता हूँ और इधर मैं माइनस वाई ले लेता हूँ। अब आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए,
प्लस वाई का मतलब है यहां पर है ना, और माइनस वाई का मतलब है यहां पर। जब आप पॉजिटिव वन प्लस वन कूलम चार्ज को इधर रखते हो तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगा। जब आप प्लस वन कूलम चार्ज को यहां रखते हो तो ये नीचे की तरफ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगा। नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहते हैं डाउनवर्ड और अपवर्ड को हम कहते हैं पॉजिटिव। तो देखो यहां पर सीन ये है कि जब आपका x इक्वल टू जीरो है या y इक्वल टू जीरो है, यहां पर y इक्वल टू जीरो है, y इक्वल टू जीरो पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा एकदम। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, जैसे ही हम इस सेंटर से आगे बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। तो देखो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सीन ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, और फिर ये इस तरह से गिरेगा बाद में। यहां पर ये मैक्सिमम होगा और ये मैक्सिमम वाली पोजिशन पता क्या होगी, ए बाई रूट टू होगी। ये अभी हमने क्वेश्चन नंबर 10 में प्रूव किया है, अभी प्रूव किया आज क्वेश्चन नंबर 10 में कि a by root 2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। इसी तरीके से यहां पर भी ऐसा ही होगा, a by root 2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा माइनस a by root 2 पर, करेक्ट। और बाद में फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड गिरेगा, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता चला जाएगा, राइट। ये आपका वाई एक्सिस वाली बात हो गई, लेकिन अब हमारे सामने एक्स एक्सिस की प्रॉब्लम है। तो देखिए एक्स एक्सिस मैं अगले पेज पर ड्रॉ कर रहा हूँ, पूरा ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस हम ले लेते हैं बहुत बड़ा है, ये यहाँ पे एक्स बराबर जीरो है और यहाँ पर एक्स बराबर प्लस क्यू रखा हुआ है ए पर, और यहाँ पर प्लस क्यू रखा हुआ है, करेक्ट। चलिए अब मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो एक चीज तो ये है कि ई इक्वल टू होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो R क्या है, R अगर जीरो हो जाए, इफ R जीरो अगर R जीरो हो जाए तो E कितना होगा, E इंफिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब चार्ज की अगर एकदम पास चले जाए तो E इंफिनिटी हो जाएगा। तो देखो अब यहां पर अगर मैं चार्ज के एकदम पास चला जाऊं, मैं यहां एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इस लाइन को कहते हैं x इक्वल टू ए माइनस ए, सॉरी ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इस लाइन को कहते हैं वाई एक्सिस, ये लाइन है आपकी एक्स इक्वल टू प्लस ए। तो आप थोड़ा ध्यान दो, अगर हम चार्ज के एकदम पास में यहां एक प्लस वन कूलम रख दें, एकदम बगल में प्लस वन कूलम रख दो, तो बताओ क्या होगा प्लस वन कूलम का हाल, बताऊं। अगर आप इधर की तरफ प्लस वन कूलम रखेंगे ना, यहां मान लो रख रहे हो आप, तो भैया ये इधर जाएगा पक्का है। इस डायरेक्शन को हम नेगेटिव ई कहते हैं, इस डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव ई कहते हैं। अगर आप यहां प्लस वन कूलम रखेंगे तो किधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कहते हैं, करेक्ट। तो देखो यहां पर इस प्लस क्यू चार्ज के इस साइड की बात जब हम करेंगे तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आने का मतलब ये है कि हम यहां पर नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे इस साइड में, ये ई इधर ऊपर जाएगा तो प्लस ई है और नीचे आएगा तो माइनस ई है ना। अब देखो आप ऐसा यहां जाकर के ये इंफिनिटी पे आ जाएगा, यानी कि अगर चार्ज के एकदम पास चलेंगे तो इंफिनिटी तक जाएगा, ओके राइट। अब जरा यहां आ जाइए, अगर ये चार्ज के एकदम पास में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इधर की तरफ तो होगा ही पक्का, तो इसका मतलब ये और पास में होगा तो इंफिनिटी होगा, यानी वहां से आएगा 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 यहां पर जीरो हो जाएगा, बिल्कुल सेंटर पर जीरो होगा साहब इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इस चार्ज के पास में जाएगा तो ये चार्ज इधर धक्का मारना शुरू करेगा, देखो इस चार्ज का धक्का इधर आएगा बेटा प्लस वन पर, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब नेगेटिव आएगा और नेगेटिव होकर के इंफिनिटी पर नेगेटिव आएगा, इंफिनिटी पर, राइट। अच्छा अब यहां क्या आएगा, यहां पर जो है ये इस तरह का सीन बनेगा, बिल्कुल इसके पास में पॉजिटिव रहेगा और ये जाएगा इधर और लास्ट में इंफिनिट पर जाकर जीरो हो जाएगा, राइट। ये बड़ा सीरियस मामला है, चार्ज के एकदम पास में इंफिनिट है, बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज के एकदम पास, लेकिन चार्ज से जब दूर चले जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के लगभग आ जाता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस है। आप लोग ये जो सवाल मैं आपको अभी बता रहा हूं,
अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो यू कैन डिस्कस द सेम क्वेश्चन इन जूम सेशन। आप जूम सेशन में अपनी समस्या खड़ी कर सकते हो, अपनी समस्या मुझे बता सकते हो, है ना। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट अप टू मैक्सिमम, करेक्ट। चलिए ये हो गया बेटा, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखिए 14 क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं क्या है, अ पार्टिकल ऑफ मास एम एंड चार्ज क्यू इज सस्पेंडेड फ्रॉम पॉइंट ए विथ अ सिल्क थ्रेड ऑफ लेंथ एल, अनदर पार्टिकल ऑफ चार्ज माइनस क्यू इज फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस एल फ्रॉम द पॉइंट ए सच दैट पॉइंट ए एंड द माइनस क्यू चार्ज इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन इफ एट इक्विलिब्रियम थ्रेड मेक्स एंगल 30 डिग्री विथ द वर्टिकल फाइंड द मास एम एंड टेंशन इन द थ्रेड। तो देखिए क्या कर रहे हैं, यहां से मैं एक सिल्क थ्रेड को लटकाऊंगा जिसकी लंबाई एल है और इस पर प्लस क्यू चार्ज है बेटा, इसकी लंबाई एल है, करेक्ट। एक काम कंप्लीट कर दिया हमने। दूसरा फिर यहां से इस पॉइंट से स्मॉल एल डिस्टेंस पर, इस पॉइंट से स्मॉल एल डिस्टेंस पर माइनस क्यू रखा है, ये फिक्स कर दिया है माइनस क्यू। अब देखो क्या होगा, ये वाला माइनस क्यू इस वाले प्लस क्यू को खींचेगा, खींचेगा तो ये प्लस क्यू यहां से ऊपर उठेगा, ऊपर उठता है, ऊपर उठता है, ऊपर उठता है, 30 डिग्री के एंगल पर आ जाता है, ऐसा इन्होंने क्वेश्चन में बोला है, 30 डिग्री के एंगल पर आ जाता है ना। हाँ यस, अब ये शांत हो गया, यानी कि इसके प्लस क्यू चार्ज ने इसके अट्रैक्शन के कारण, ये प्लस क्यू था वो माइनस क्यू था, उसने खींचा, उसने खींचा इस प्लस क्यू को, उस माइनस क्यू ने खींचा, खींचा तो ये ऐसे गया, इसका एमजी तो धरती माता इधर लगाएगी, इसीलिए फिर ये और ऊपर नहीं जाएगा, एमजी कहता है थोड़ा नीचे रहे, ज्यादा ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, हाँ, और वो खींच रहे हैं, उसका आएगा अट्रैक्शन, उसका आएगा अट्रैक्शन, करेक्ट। ये एंगल 60 डिग्री है, ये लंबाई एल है, ये लंबाई एल है और एंगल 60 डिग्री है, तो निश्चित रूप से ये लंबाई भी एल ही होगी, इसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे, राइट। अब आप ध्यान दीजिए कि इसको मैं कहूंगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, एल स्क्वायर है ना। चलो ये एम जी है और ये आपका, ये है आपका अट्रैक्शन आ गया, ये अट्रैक्शन आ गया और ये टेंस, ये टेंशन टी आ गया और ये अट्रैक्शन आ गया, ये एम जी आ गया, ओके। अब जरा आप चलिए आगे, मैं कहता हूं ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल 150 डिग्री है और ये एंगल आपका 150 डिग्री है। अब मैं यहां बायनोमियल थ्योरम लगाऊंगा, लामीस थ्योरम, देखिए लामीस थ्योरम लगा रहे हैं, लामीस थ्योरम, मैं एक काम करूं क्या, लामीस थ्योरम समझा दूं आपको एक बार, चलिए लामीस थ्योरम अप्लाई करने से पहले मैं लामीस थ्योरम समझा देता हूं, ठीक है। तो लामीस थ्योरम एक बार समझा देते हैं हम, नेक्स्ट पेज पर समझा देता हूं, खाली पेज पर फिर इसको वापस कर लेंगे हम। देखिए लामीस थ्योरम क्या होता है, आपको केवल याद रखने के लिए रखना है, लेकिन याद आपको अच्छी तरह से, आज के बाद ये लामीस थ्योरम दोबारा नहीं समझाऊंगा। यहां पर अगर एक बॉल है, इस बॉल पर अगर एक फोर्स F1 लग रहा है, इस बॉल पर अगर एक फोर्स F2 लग रहा है, इस बॉल पर अगर एक फोर्स F3 लग रहा है, ये तीन फोर्स लग रहे हैं और बॉल इक्विलिब्रियम में है, तो बॉल पर तीन फोर्स लग रहे हैं F1, F2, F3 और बॉल इक्विलिब्रियम में है। जब बॉल इक्विलिब्रियम में है तो ध्यान दो, ये है आपका थीटा वन, ये है आपका थीटा टू, ये है आपका थीटा थ्री। अब देखो एफ वन अपॉन, एफ वन अपॉन साइन थीटा वन, एफ वन अपॉन साइन थीटा वन, एफ टू अपॉन साइन थीटा टू और F3 अपॉन साइन थीटा 3, ये आपका बैलेंस का कंडीशन है। F1 के सामने एंगल थीटा 1 है, ध्यान दीजिए F1 के अपोजिट, F1
टू के अपोजिट एंगल थीटा टू है और एफ थ्री के अपोजिट एंगल थीटा थ्री है, ये आपकी लामीज थ्योरम होती है। हमेशा अपोजिट वाला एंगल लेते हैं, ध्यान दो, राइट। अगर आपने ये लामीज थ्योरम काम में ली तो बड़े बड़े सवाल आपके छोटे से हो जाएंगे, क्योंकि वैसे अगर आप बैलेंस करना चाहेंगे तो बड़ा मुश्किल है। आपको इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा, इधर का उसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा, इधर का उधर का इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा, इधर का उधर का, और फिर सारे कंपोनेंट्स को इक्वेट करना पड़ेगा, फिर सॉल्व करनी पड़ेगी इक्वेशन। उड़ी बाबा रे, बहुत मुश्किल काम है, इसलिए लामीज थ्योरम बेस्ट है। चलिए अब मैं उस क्वेश्चन पर आ जाता हूँ। यहाँ मैं लामीज थ्योरम, यहाँ पर बेटा फोर्स है आपका एक के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये टी है और ये एम जी है, तो मैं सबके लिए लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, इसके सामने का जरा एंगल बताना मेरे को, यह है साइन 150 डिग्री इक्वल टू, फिर है एम जी अपॉन साइन 60, फिर है आपका इक्वल टू टी अपॉन साइन 150 डिग्री, ये लो जी। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये और ये इन दोनों को मैं इक्वेट कर रहा हूं, ये और ये इन दोनों को मैं इक्वेट कर रहा हूं, तो देखिए इक्वेट करने पर क्या आएगा, ये आएगा टी, बस ये साइन 150 डिग्री साइन 150 डिग्री तो कैंसिल हो जाएंगे, तो हम इसको इसको कैंसिल कर देते हैं ना, हाँ, और टी इक्वल टू आ जाएगा आपका के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। एक आंसर तो आपका आ भी गया, देखो कितना आसान है, कितना आसान है, एक आंसर तो आ गया। और नहीं तो पता है क्या करना पड़ता, आप कंपोनेंट लेते फिर इक्वेट करते, भैया पसीना आ जाता, तो 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये आपका इसके अंदर टेंशन आ गया, मतलब एक आंसर आपका आ गया। अगला आंसर मुझे एम जी चाहिए, एम चाहिए है ना, तो देखो ये एम जी साइन 60 है, इसको मैं इससे इक्वेट कर देता हूँ, देखना जरा, एम जी साइन 60 को कहते हैं रूट 3/2 है ना, और ये है के, के को 1/4πε0 लिखो, क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर करो है ना, और साइन 150 डिग्री की वैल्यू बताओ, साइन 150 डिग्री यानी कॉस 60 होता है, ये 1/2 हो जाता है, करेक्ट। आप चेक करिए, 2 से 2 गया, एम की वैल्यू आ गई आपकी, कितना आसानी से आ रहा है, एम की वैल्यू आ रही है आपकी क्यू स्क्वायर रूट 3 अपॉन 4πε0 एल स्क्वायर इंटू जी, मुझे लगता है आपका मास आ गया, चेक करिए। ये क्वेश्चन नंबर 14 है ना, तो 14 का आपका जवाब आ चुका है और ये आपका जो है रिजल्ट आ रहा है, मेरे हिसाब से सेकंड इज द राइट आंसर, आई थिंक सेकंड शुड बी राइट आंसर है ना, आप लोग चेक कर लीजिए आंसर्स है ना। किसी बच्चे को अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो बेधड़क जो है ना वो अगली क्लास में पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 15 है, चलो जी डीपीपी 3 का क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए, पढ़िए 15 क्वेश्चन। A small plastic ball of mass m covered with a thin zinc coating is suspended by means of an insulating thread from fixed point. ठीक है? There exists an electric field of magnitude E directed along the horizontal. ठीक है जी, ये क्या है मैं बताऊं, ऐसा क्वेश्चन इन्होंने किया है कि यहां पर एक पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, एक रस्सी लटकाई है, रस्सी पर एक इन्होंने कॉपर का जो है ना लेयर चढ़ा दिया, इस बॉल पर एक प्लास्टिक की बॉल है जिस पर कॉपर की लेयर चढ़ाई हुई है ना, करेक्ट। अच्छा अब ये प्लास्टिक की बॉल है, इस पर कॉपर की लेयर चढ़ाई हुई है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड हॉरिजॉन्टली, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, करेक्ट। अच्छा अब इस पर इन्होंने क्या किया है, अल्ट्रावायलेट रेज डाली है, अल्ट्रावायलेट रेज यानी फोटोन, फोटोन डाले गए हैं, फोटोन 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 के कारण बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है और इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं,
तो इस पर चार्ज आ जाता है, इस पर क्या जाता है, चार्ज आ जाता है। फोटोन के कारण लाइट आ रही है ना, अल्ट्रा वायलेट लाइट डाली है, तो उसमें से चार्ज पार्टिकल निकल जाएंगे। क्या निकलेंगे चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण उस पर चार्ज आता है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है, इसके अंदर पांच तीन क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एक्वायर्ड बाय द बॉल। ओरिजिन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एक्वायर्ड बाय द बॉल, तो भैया ये आंसर है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन जिंक कोटिंग। ये जो जिंक का हमने लेयर चला रखा था ना, उसमें इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट हो गए। डेफिशिएंट कैसे हो गए, निकल के बाहर आ गए इसके कारण, फोटोन के कारण। इलेक्ट्रॉन बाहर और वहां पर चार्ज आ जाता है प्लस क्यू। अब होता क्या है, एक काम तो कंप्लीट हो गया, तो आपका फर्स्ट आंसर तो आ गया जो है ना, ए का आंसर आएगा टू। अब देखिए बी, इफ द स्ट्रिंग मेक्स एंगल थीटा विद द वर्टिकल व्हेन बॉल कम्स टू इक्विलिब्रियम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक ठीक है जी, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये जो बॉल है ना, इस पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स क्यू ही लगता है। जब इस पर फोर्स क्यू ही लगता है, तो इस फोर्स के चक्कर में ये बॉल यहां आ जाती है, ये बॉल यहां आ जाती है फोर्स के चक्कर में। ये आपका क्यू ई होता है और ये आपका एम जी होता है। नेचुरल है, ये एंगल थीटा है, इसमें टेंशन टी होता है। टेंशन टी का एक कंपोनेंट इधर टी कॉस थीटा होता है और एक कंपोनेंट इधर टी साइन थीटा होता है, और टी साइन थीटा को हम कहते हैं क्यू ई। टी साइन थीटा क्या कहते हैं, क्यू ई, और टी कॉस थीटा को क्या कहते हैं, एम जी। डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो टेन थीटा इट इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू ई अपॉन एम जी, क्यू ई अपॉन एम जी, करेक्ट। अच्छा अब आपके पास में ई इक्वल टू आ गया है, नहीं नहीं सॉरी, थीटा चाहिए ना आपको, क्या चाहिए, व्हाट यू वांट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए आपको, ठीक है जी। तो देखो क्यू चाहिए आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो मैं कहूंगा mg tan थीटा, mg tan थीटा बराबर अपॉन कैपिटल e बराबर q, q इस q को मैं कहूंगा n into e, n into e, कितने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए, तो आपके पास में n आ जाएगा mg tan थीटा अपॉन e, e कैपिटल e, चेक करिए ये आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास में इसका आंसर आ जाता है थर्ड, है ना। किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, नो प्रॉब्लम, है ना, वी विल डू इट ऑन जूम सेशन, है ना, कोई इश्यू नहीं है, बोल देना कि सर बता दो दोबारा, बता देंगे। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसका जो है सी पार्ट है, और वो क्या कहता है, इसी क्वेश्चन का सी पार्ट है, वो कहता है इफ द चार्ज दैट सडनली अपीयर्स ऑन द बॉल इज क्यू, व्हाट इज द मैक्सिमम एंगल बाय विच स्ट्रिंग गेट्स डिफ्लेक्टेड। देखिए अब सुनो, यहां बड़ा इंपॉर्टेंट है, अचानक से चार्ज दे दिया। अभी तक देखिए जो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण चार्ज आता है ना, धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे आता है, एकदम से नहीं आता। लेकिन अभी इसमें कह रहे हैं सडन, सडन का मतलब ये होता है कि एक रस्सी लटकी हुई थी, उससे एक बॉल बंधी थी जिसमें जो है जो भी था बॉल थी बस खत्म, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो है एक्स डायरेक्शन में था, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में था, शुरू में इस बॉल पर कोई चार्ज नहीं था, जब कोई चार्ज नहीं था तो बॉल चुपचाप थी, चार्ज नहीं है तो चुपचाप ही रहेगी। अब हमने सडन इसमें क्यू चार्ज दे दिया, अच्छा कि ले क्यू चार्ज ले, है? जैसे ही आप इसको प्लस क्यू चार्ज देते हैं तो क्यू चार्ज देते ही इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत तेज लगता है और बॉल दौड़ती है, दौड़ती है, तो सीन ऐसा बन जाता है, हालात ऐसे हो जाते हैं, बॉल यहां आकर के शांत हो जाती है, अचानक से लगा बॉल आई और शांत। देखिए इधर फोर्स लगता है क्यू ई और इधर फोर्स लगता है एम जी। अब यहां चक्कर क्या है मैं बताता हूं आपको, यहां चक्कर क्या है, यहां पर आकर के ये बॉल रुकती नहीं है, वापस नीचे आ जाती है, इसके पीछे कारण है कि झटके से गई है कोई भी चीज,
तो इक्विलिब्रियम में नहीं जाएगी, वापस नहीं जाएगी। अब हमें ये इसका मैक्सिमम रेंज पता करना है कि कितना मैक्सिमम एंगल जाएगा, तो वो मैक्सिमम एंगल तो यही है। अब देखो ये आपका एंगल है थीटा, ये एंगल है आपका थीटा, तो पता है मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा यू वन इक्वल टू एम जी एच, एम जी एच कितना ऊपर गई है। अगर ये एंगल थीटा है और ये रस्सी की लंबाई एल है, इस रस्सी की लंबाई एल है, तो ये इतना ऊपर गई है, इसे कह सकते हैं हम एल माइनस एल कॉस थीटा, तो एल वन माइनस कॉस थीटा, एल वन माइनस कॉस थीटा है ना, तो ये आ जाएगा एम जी एल वन माइनस कॉस थीटा, एम जी एल वन माइनस कॉस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा एम जी एल वन माइनस कॉस थीटा को पता है हम क्या कहते हैं, वन माइनस कॉस थीटा को हम कहते हैं टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, हाँ वन माइनस कॉस थीटा को ऐसा बोला जाता है, ये आइडेंटिटी है ट्रिगोनोमेट्री की, तो वन माइनस कॉस थीटा को कहते हैं टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, राइट, ये लिख लो आप, नोट कर लो, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, करेक्ट। चलिए ये आपका U1 आ गया। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण U2, तो देखो वो आएगा QE into S, S मतलब कि ये वाली डिस्टेंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आ रही है, तो ये आपका आएगा QE into L sin theta। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए वर्क होगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क होगा, दोनों इक्वल अपोजिट होंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये ऊपर जाएगा और जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके कारण ये ऊपर जाना बंद हो जाएगा, यानी रुक जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपके पास में जो सीन है ना वो ऐसा है, ध्यान दो कि मैं इस यू टू को कहूंगा इट इज इक्वल टू एम जी एल इंटू टू साइन स्क्वायर थी बाई टू, चेक करिए। अब मैं इस L से L काट रहा हूं, मैं कहूंगा QE साइन थीटा, साइन थीटा कह दूंगा टू साइन थीटा बाई टू एंड कॉस थीटा बाई टू, इसको बोल दूंगा मैं एम जी इंटू टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। आप चेक करिए प्लीज, सब लोग चेक करो, है ना, आई कैन डू एनी काइंड ऑफ मिस्टेक, मैं कभी भी कोई भी गलती कर सकता हूं, मेरा कोई पता थोड़ी ना है, हाँ ऐसा याद नहीं हूँ मैं तो, है ना, हाँ पुराने बच्चे जानते हैं मेरे को कि मैं कितनी गलतियां करता हूँ, है ना, नए वाले भी जान जाएंगे थोड़े दिन में नए बच्चे भी जान जाएंगे कि मैं कितने घोटाले करता हूँ, फिर क्या करते हैं सब पकड़ पकड़ के बताते हैं बच्चे, मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे गलतियां पकड़ के बताते हैं ना टीचर की, तो टीचर को बड़ा अच्छा लगता है, खुश होता है टीचर, कहता है वाह इसका मतलब है मेरे बच्चों को बात समझ में आई है, और बच्चे अगर गलतियां नहीं पकड़ के बताते हैं तो लगता है ये नालायक सो रहे हैं, हाँ बात को थोड़ा समझिए बेटा, इसलिए आप लोग, मैं तो घोटाले करता ही करता हूं, पकड़ के जरूर बताना होता है मेरी, जब जब आप मुझे गलतियां बताओगे मेरे को बड़ी खुशी होती है, ठीक है, तो ढूंढो क्या कर रहे हैं सर, है ढूंढिए। चलिए 16, ये भी जोरदार बात है, डीपीपी थ्री का क्वेश्चन नंबर 16, डीपीपी थ्री का क्वेश्चन नंबर 16, देखिए आप इसमें क्या है कि वही काम जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले किया था ना, ग्राफ ड्रॉ करना है, देखो ये सीन बिल्कुल वही है पूरा का पूरा, एक्स एक्सिस मैं खींच देता हूं यहां पे, एक चार्ज है माइनस फोर क्यू,
ये मैंने थोड़ा टेढ़ी खींच दी है एक्सेस, अच्छी नहीं लग रही देखने में, चलो अब अच्छा से खींचते हैं। मैं कोशिश करता हूँ, वैसे मेरे को अच्छे से खींचना नहीं आता है। ये लो जी, मान लो यहाँ पे -4q है, -4q है, मान लो यहाँ पर x=0 है, और मान लो यहाँ पर आपका +q है, करेक्ट, +q है। अब थोड़ा सा मैं आपको कुछ बातें बता दूँ, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो नेगेटिव है, और इस डायरेक्शन में तो पॉजिटिव है। यहां ये -4q है और ये +q है, ये बेचारा +q है, ये -4q है, बहुत शक्तिशाली है -4q, है ना? अब देखो, अगर मैं किसी प्लस चार्ज को यहां रख दूं, अगर +1 को मैं यहां रख दूं, तो ये -q क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होने का मतलब है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है? पॉजिटिव। तो हमारा ग्राफ पॉजिटिव साइड में जाएगा भैया, इधर की तरफ आएगा हमारा ग्राफ, ग्राफ इधर आएगा, पॉजिटिव में आएगा। इधर आएगा तो नेगेटिव होता, लेकिन इधर पॉजिटिव में आएगा, राइट? पॉजिटिव में आएगा, -4 एकदम बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, -4 एकदम बगल में, इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, चार्ज के एकदम बगल में इनफाइनाइट होगा, राइट? ओके, यहां देखिए, अब यहां अगर मैं -4 है, अगर मैं +1 को यहां रखूं तो बताओ क्या होगा? वो तो रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आएगी, दिस डायरेक्शन इज नेगेटिव डायरेक्शन, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव आएगा। तो यहां -4 के पास में रखोगे ना तो एकदम इनफाइनाइट होगा, फिर ये बढ़ता 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 यहां आएगा और फिर वापस गिरेगा, ये इसके पास में फिर इनफाइनाइट होगा, इसके पास में फिर इनफाइनाइट होगा। थोड़ा ग्राफ का आप ट्रेस देखो और मेरा बनाने का तरीका देखो, मैं ग्राफ को यहां आकर के सबसे ऊपर तक ले जा रहा हूं, फिर यहां पे नीचे ले रहा हूं, कारण ये है। देखो सुनो, अगर मैं +1 को यहां इसके बगल में भी रख दूं ना तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आएगा, यानी होना तो नेगेटिव ही है, होना तो नेगेटिव। अब सुनिए होगा क्या होगा, ये कि जब मैं +1 को इस -4 के बिल्कुल पास में रखता हूं तो बहुत तेजी से अट्रैक्ट करता है और फोर्स आपका ज्यादा है, फिर जैसे जैसे मैं दूर जाता हूं तो फोर्स कम होता चला जाता है -q का, और +q का बढ़ता चला जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि -q का फोर्स जो है बहुत कम हो जाता है, उसके बाद में फिर +4 ये क्यू का फोर्स बढ़ना शुरू होता है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाता है, नेगेटिव डायरेक्शन में ही रहेगा, राइट? अब सवाल उठता है, अगर यहां करें तो क्या होगा? ये जोरदार बात है, देखो क्या होगा, यहां पर ये प्लस है ना चार्ज, ये -q उसको अट्रैक्ट करेगा, -4 उसको अट्रैक्ट करेगा, और ये +q उसको रिपेल करेगा। अब ये -4 है ना साहब, चाहिए कितना ही छोटा कितना बड़ा है, लेकिन करेगा उसे अट्रैक्ट, दूर से है ना इसलिए करेगा, और ये q कितना भी छोटा है ये करेगा रिपेल अपना। यानी एक ऐसी स्थिति आएगी कि जब इसका अट्रैक्शन दूर बैठे बैठे इसके रिपल्सन के बराबर होगा, यानी कहीं पर तो एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, मतलब इसके कारण अट्रैक्शन और इसके कारण रिपल्सन कहीं तो बराबर होगा, जहां बराबर होगा वहां जीरो होगा, उससे पहले आपका पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब अगर हम इसके बिल्कुल पास में रख देंगे +q के, तो ये थोड़ा सा धक्का मारेगा, यानी कि ये पॉजिटिव आएगा, फिर इस तरह से ये गिरता चला जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो होने के बाद में फिर ये नेगेटिव होना, क्योंकि माइनस का इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा, फिर ये इस तरह से दूर चला जाएगा। कुल मिलाकर के हमारे पास इसका जो बेस्ट आंसर अवेलेबल है वो है थर्ड। ये आपके क्वेश्चन 16 DPP3 के क्वेश्चंस हो गए, पूरे DPP3 के क्वेश्चंस हो गए, है ना? आज हमारे साथ एक बड़ी समस्या खड़ी हुई, बहुत बड़ी ट्रोल हुई। मैंने आज पूरा एक वीडियो बनाया था लंबा चौड़ा 1.5 घंटे का, लेकिन उसमें ब्लरिंग आ गई, वीडियो एकदम पूरा का पूरा ब्लर हो गया, इसलिए इसको दोबारा बनाना पड़ रहा आज, ये वीडियो दोबारा बना है ना, एक वीडियो पूरा ब्लर हो गया था। अब वो पता नहीं क्या हम लोगों से कुछ गलतियां हो जाती हैं सेटिंग में, या जो है ना, ये मोबाइल तो अच्छा वाला है ये, है ना, लेकिन फिर अच्छे वाले में भी कुछ खराबी आई जाती है, या
या हम कर देते हैं खराबी, हम करते होंगे क्योंकि इंस्ट्रूमेंट तो क्या खराबी करेगा, हम ही करते हैं सारी है? अच्छा ये आपके डीपीपी थ्री के हो गए, कल जूम सेशन होगा उसमें आप इसको डिस्कस कर सकते हो राइट। एक ओके नेक्स्ट देखिए आप क्या करना है, आपको आज एक होमवर्क दूंगा मैं, उस होमवर्क को आप नोट कर लीजिए बहुत अच्छी तरह से, तो प्लीज नोट डाउन दी होमवर्क फॉर टुडे। होमवर्क देखिए, होमवर्क क्या है आपको आज, सबसे पहला तो होमवर्क है नंबर वन फॉर्मूला चार्ट। फॉर्मूला चार्ट जो है ना आपका, उसका क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक पढ़ना है, नंबर वन ये करना है, पूरे 15 सवाल पूरे करने हैं। नंबर टू फॉर्मूला चार्ट जो है ना, उसमें से आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन है उसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन है वो पढ़नी है। फिर दूसरा आपको पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फॉर्मूला चार्ट में से पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, मैं पढ़ाऊंगा कल, लेकिन आपको मेरे से पहले एडवांस में पढ़ना है, मैं तो पढ़ाऊंगा ही राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ना है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना है, ये तीनों चीजें आपको पूरी पूरी पढ़ लेनी है राइट। नंबर टू ये नंबर थ्री मतलब नंबर थ्री होमवर्क है आपका एनसीईआरटी की बुक में से पेज नंबर 23 से पेज नंबर 27 तक रीडिंग लगानी है और समझना है एक एक वर्ड को, इटैलिक्स सारे नोट करने हैं, इटैलिक्स में डेफिनेशन होती है बेटा, इटैलिक्स वाली जो डेफिनेशंस हैं उन्हें अच्छी तरह से नोट करना है क्योंकि ये स्कूल वाले पूछेंगे, इटैलिक्स वाली डेफिनेशन स्कूल वाले पूछेंगे, स्कूल टीचर पूछेगा पक्का है ना, तो ये आपको नोट करना है और 23 से 27 तक पूरा पूरा पढ़ना है ठीक है। एनसीईआरटी की बुक में आपको 23 से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और 27 तक पढ़ना है, डायपोल नहीं पढ़ना, डायपोल नहीं पढ़ना है, इलेक्ट्रिक डायपोल अभी मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद पढ़ना ठीक है, तो आपको ये कर लेना है। कल हमारा जो है ना ये क्या बोलते हैं डीपीपी जो है 14 जो है इसको मैं डिस्कस करूंगा लेक्चर में, और इसके अलावा कल आपको मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पढ़ाऊंगा, कल गॉस थ्योरम भी।